ओके चलो कल हमने मॉलिक्यूलर सॉलिड देखा था स्टूडेंट। यस, मॉलिक्यूलर सॉलिड में तीन टाइप है, कौन कौन से? पोलार मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलार मॉलिक्यूलर सॉलिड और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अभी तीसरा टाइप चालू करेंगे, हाइड्रोजन। ओके, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जहां भी मिलेंगी इसका मतलब है वह मॉलिक्यूल होना फिक्स है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जाए वह मॉलिक्यूलर सॉलिड फिक्स है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन आपको पता है, हाइड्रोजन एटम अटैच, हाँ यस, डायरेक्टली अटैच टू द, डायरेक्टली अटैच टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मतलब अभी देखो, सपोज समझो कि एक वाटर लेते हैं हम, एच ओ एच, ये वाटर का एक मॉलिक्यूल है, वाटर का एक मॉलिक्यूल है, बट वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं ना। अभी वाटर देखते हैं हम, तो इसमें एच टू ओ के बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं, ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। ओके, जैसे बच्चे अभी ग्रुप में सब आ रहे हैं, ओके, तो उनके बीच का भी क्या देख रहे हैं हम, इंटरेक्शन देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? इंटरेक्शन देख रहे हैं। इसका और इसका इंटरेक्शन कैसा है, उसका और उसका इंटरेक्शन कैसा है, उसका और मेरा इंटरेक्शन कैसा है, तो इंटरेक्शन देख रहे हैं। यदि ये सब मॉलिक्यूल सेम है तो इंटरेक्शन भी कैसे रहेगी, सेम रहेगी। समझ में आ रहा है ना? तो अभी यह एस्टो मॉलिक्यूल है, तो बहुत सारे एस्टो मॉलिक्यूल होंगे। तो अभी देखो, मैं यहां खाली समझने के लिए दो ही ड्रॉ कर रहा हूं, सब मॉलिक्यूल ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, समझने के लिए दो मॉलिक्यूल काफी है। तो अभी देखो, यह हाइड्रोजन एटम किसको डायरेक्टली कनेक्ट है, ऑक्सीजन पर। तो इसका मतलब है इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहां शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा। कौन से बॉन्ड के थ्रू शिफ्ट होगा, कॉलन बॉन्ड के थ्रू शिफ्ट होगा। तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, और इस पर कौन सा चार्ज आएगा, यस और नो? ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, कंप्लीट प्लस वन, और इस ये गेन करेगा तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, कंप्लीट माइनस वन। बट कंप्लीट लॉस कर रहा है क्या, खाली इलेक्ट्रॉन का क्लाउड शिफ्ट हो रहा है। ओके, तो अभी देखो, या अभी पार्शियल प्लस और या पार्शियल माइनस, तो या इस पे पार्शियल दो माइनस, इस पे पार्शियल प्लस, पार्शियल प्लस। अभी देखो, ये मॉलिक्यूल दूसरा है, तो ये सिचुएशन इसके लिए, इसका मतलब ये भी या सेम फॉलो करेगा, यस और नो? तो अभी वाटर का कंपाउंड है, तो वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, तो इसका मतलब है ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव के साथ क्या बनाएगा, एक फिजिकल इंटरेक्शन बनाएगा, एक क्या बनाएगा, फिजिकल इंटरेक्शन। और दिस फिजिकल इंटरेक्शन इज कॉल्ड एज क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये फिजिकल इंटरेक्शन क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये फिजिकल इंटरेक्शन पे डिपेंड रहेगा उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। यदि ये फिजिकल इंटरेक्शन सॉलिड के केस में है तो वह क्या निकालेंगे हम, मेल्टिंग पॉइंट। और ये लिक्विड के केस में तो वह क्या निकालेंगे स्टूडेंट, हम बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में हम खाली ये मॉलिक्यूल क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। मॉलिक्यूल क्या करते हैं, सेपरेट। मतलब हम कौन से इंटरेक्शन को ब्रेक करते हैं, फिजिकल इंटरेक्शन को ब्रेक करते, समझना है। केमिकल बॉन्ड नहीं ब्रेक करते कभी भी मेल्टिंग, केमिकल बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो नेचर चेंज हो जाएगा, वाटर का नेचर तो खत्म हो जाएगा। ये हाथ और ये मेरी बॉडी, ये कौन सा बॉन्ड है, केमिकल बॉन्ड है। ये कौन सा बॉन्ड है, केमिकल। आप और मैं कौन सा बॉन्ड हूं, फिजिकल बॉन्ड है। यदि हम बहुत अभी क्लोज है, इस बॉन्ड को हम ब्रेक करेंगे तो मुझ पे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला ना। मेरे दो आंख है, दो कान है, एक नाक है, एक हेड है, दो हाथ है, दो पाए, वैसे तो वैसे रहने वाले आपके भी। अरे समझ में आ रहा है क्या? तो मैं यदि ये इंटरेक्शन को ब्रेक करूंगा तो ये स्टोर रहेगा, ये स्टोर रहेगा, इस पे दो लोम पे रहेगी, इस पे दो बॉन्ड पे रहेगी, इस पे दो लोम पे रहेगी, इस पे दो बॉन्ड पे रहेगी, वो सेम ही रहेगी ना, वो क्लोज रहे या डिस्टेंस पर है, कुछ चेंज होने वाला है क्या, नहीं। मतलब
फिजिकल इंट्रैक्शन में हम कौन से बॉन्ड, कौन से पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। अभी हम कौन से केस स्टडी कर रहे हैं स्टूडेंट, वाटर की कौन से केस देख रहे, सॉलिड स्टेट देख रहे। वाटर की सॉलिड स्टेट को क्या बोलते हैं हम, आइस बोलते। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, आइस। मतलब हम अभी यहां क्या देख रहे हैं स्टूडेंट, ये आइस का स्ट्रक्चर देख रहे। किसका स्ट्रक्चर देख रहे, समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है, पक्का समझ में आ रहा है। अभी देखो, सपोज समझो कि ये वाटर सॉलिड स्टेट में क्यों जाता है, क्योंकि या ये ऐसी सिचुएशन बनाता है, क्योंकि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा तभी वो क्लोज आएंगे, क्लोज आएंगे तभी वो सॉलिड स्टेट बनेगा। अभी अट्रैक्शन ही नहीं तो क्लोज आएंगे, सॉलिड स्टेट बनेंगे नहीं बनेंगे। वाटर की सॉलिड स्टेट आप देख सकते हैं, इसका मतलब इसके अंदर ये इंट्रैक्शन है, इसके अंदर क्या है, इंट्रैक्शन। तो अभी देखो, ये जो एक वाटर मॉलिक्यूल है, एक वाटर मॉलिक्यूल इसका खुद का एक वॉल्यूम है, इसका खुद का एक क्या है, वॉल्यूम है। वो वॉल्यूम है वाटर का 15 × 10⁻²⁴ सेंटीमीटर। इसका एक क्या है, वॉल्यूम। वो कितना वॉल्यूम है स्टूडेंट, 15 × 10⁻²⁴ सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर। कितना वॉल्यूम है, कितने वाटर मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है, एक वाटर मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है। ओके, मतलब अभी एक वाटर मॉलिक्यूल इसका वॉल्यूम अभी कितना है, समझ में आ रहा है? बट हमें वाटर मॉलिक्यूल लेने कितने, वाटर मॉलिक्यूल कितने लेने, 1 मोल लेने। कितने लेने, 1 मोल। मतलब ये एक वाटर मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है, बट हमें वाटर मॉलिक्यूल देखने कितने, 6.023 × 10⁻²³। तो ये वॉल्यूम बन जाएगा कितने वाटर मॉलिक्यूल का, 1 मोल। अरे समझ में आ रहा है क्या? अभी देखो, ये एक वाटर मॉलिक्यूल, एक वाटर मॉलिक्यूल। अभी ये इसका खुद का वॉल्यूम कितना है, अरे समझ में आया? अभी इसका एक खुद का एक वॉल्यूम है, इसका भी एक खुद का वॉल्यूम वही है। तो अभी ये दोनों भी अभी बहुत क्लोज आ गए, क्लोज आ गए। ये वाटर मॉलिक्यूल का वॉल्यूम इतना है, ये वाटर मॉलिक्यूल का वॉल्यूम इतना है, ये वाटर मॉलिक्यूल का वॉल्यूम इतना है। बट सपोज समझो कि ये वाटर मॉलिक्यूल ये ऐसे अरेंज हो गए, 1, 2, 3, 4। तो अभी इसका वॉल्यूम 15 × 10⁻²⁴, इसका 15 × 10⁻²⁴, इसका 15 × 10⁻²⁴, इसका 15 × 10। तो इसका टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4 × 15 × 10⁻²⁴ सेम क्यूब। अरे यस और नो, ये स्टेट कौन सी रहेगी, सॉलिड स्टेट रहेगी, यस और नो। तो इसके बीच, इसके और इसके बीच कुछ गैप है या नहीं, इसके और इसके बीच कुछ गैप है या नहीं, अरे सर नो, नहीं ना, क्यों नहीं है, क्योंकि आपने 4 × 10⁻²⁴ कर दिया। इसका मतलब इसके और इसके बीच में कोई गैप नहीं, अभी खत्म, गैप खत्म, गैप। बट ये मॉलिक्यूल आप ऐसे अरेंज करेंगे तो आपको ये चारों मॉलिक्यूल का वॉल्यूम इक्वल टू, ये क्लोज आते समय का टाइम, ये क्लोज आएंगे तो क्लोज इस ये टाइप में आ रहे, क्लोज किस टाइप में आ रहे, इस टाइप में आ रहे। तो अभी इसका वॉल्यूम कितना रहेगा, 15 × 10⁻²⁴ से ज्यादा रहेगा, क्योंकि अभी इसके बीच क्या है शोन, गैप है, इसके बीच क्या अभी गैप है। तो मुझे बताओ ना, ये एक वाटर मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है या एक मोल है, तो आप इधर जो भी वॉल्यूम निकालेंगे वो कौन सा टाइप का वॉल्यूम रहेगा, उसमें कुछ भी गैप रहने वाला नहीं है, उसमें कुछ भी गैप रहने वाला नहीं है। अरे यस और नो, मतलब गैप में रहने वाला, इसका मतलब वो केस कौन से रहेगी सुन। तो ये कितना वॉल्यूम आ रहा है, देखो मल्टीप्लिकेशन विदाउट कैलकुलेटर, अरे अप्रोक्सीमेटली करो यार,
15 का 6 कितना है 900, ये पावर कम हो जाएगा, बचेगा 1, 9, 9 सेम क्यूब, अरे ये बचेगा, ये खत्म हो जाएगा, माइनस 1 बचेगा, 6 इंटू 15 कितना हो जाएगा 19, 19 इंटू 10 रेस टू माइनस 1 9, तो 9 सेम क्यूब, ये किसका वॉल्यूम है, 1 मोल वाटर आपस में क्लोज आ रहे और विदाउट गैप, इसमें 1% भी गैप नहीं है, इसमें 1% भी गैप नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि एक वाटर मॉलिक्यूल का इतना है और एक मोल का तो 9 है, तो इसका मतलब इसके अंदर कोई गैप नहीं है, बट एक्चुअल वाटर का वॉल्यूम होता है आइस का 18 सीएम क्यूब, एक्चुअल आइस का वॉल्यूम कितना होता है, तो 18 सीएम क्यूब में तो 9 सीएम क्यूब वाटर मॉलिक्यूल ही प्रेजेंट है, तो नहीं नहीं नहीं, नहीं। अभी तो 18 सीएम क्यूब एक मोल का ही वाटर का वॉल्यूम है एक्चुअल में, एक्चुअल आइस जो होता है ना एक मोल, उसका वॉल्यूम कितना है 18 सीएम क्यूब, तो उसमें 9 सीएम क्यूब तो वाटर मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है, तो 9 सीएम क्यूब क्या बने गैप, 9 सीएम क्यूब क्या बने गैप, इसका मतलब है एक मोल वाटर के अंदर कितना गैप है, हाफ गैप है, और हाफ ही मॉलिक्यूल क्या है इसमें स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे, क्या ऑक्यूपाई कर रहे स्पेस, अभी इधर अभी समझो कि इधर अभी 100 बच्चों की जगह है, बट बैठ कितने रहे 85 बच्चे बैठ रहे, इसका मतलब है कि एक बच्चे का जो वॉल्यूम है वो उसके डबल वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, मतलब ये बच्चा आपस में कुछ डिस्टेंस लेके बैठ रहा है ना, ये और ये कुछ डिस्टेंस लेके बैठ रहा है, ये और ये डिस्टेंस लेके बैठ रहा है, वो और ये डिस्टेंस लेके बैठ रहा है, तो वॉल्यूम तो बढ़ेगा ना, तो उसमें उसके अंदर क्या बढ़ेगा, इसके ऊपर ही बैठ रहा है, इसके ऊपर ही बैठ रहा है, इसके ऊपर ही बैठ रहा है, उसके ऊपर ही बैठ रहा है, तो वॉल्यूम मास खत्म, स्पेस खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, अरे समझ में आ रहा है, अरे आ रहा है नहीं आ रहा है, बोलो फिर सुडान, एक मोल का वॉल्यूम आइडियली कितना होना चाहिए 9 सीएम क्यूब होना चाहिए, बट प्रैक्टिकली आपको कितना दिख रहा है, इसका मतलब है उसके अंदर 9 सीएम क्यूब मॉलिक्यूल ने एक्चुअल स्पेस ऑक्यूपाई किया है, और 9 सीएम क्यूब के अंदर क्या है गैप है, वॉइड से क्या है सुडान, अब यहां से आगे एक मोल वाटर वॉल्यूम का एक्चुअल वॉल्यूम कितना है, एक्चुअल आइडियल वॉल्यूम कितना होना चाहिए, जब आइडियल वॉल्यूम 9 सीएम क्यूब रहेगा तो उसके अंदर जो स्पेस है वो कितना परसेंट रहेगा, 0% स्पेस रहेगा उसके अंदर 0%, अभी 18 सीएम क्यूब में कितना परसेंट मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूल ने स्पेस ऑक्यूपाई किया है, 50% ने मॉलिक्यूल ने स्पेस ऑक्यूपाई किया है, और 50% क्या है बोलो एम्प्टी स्पेस है, 15% क्या है और 50% क्या है उसने एक्चुअल स्पेस ऑक्यूपाई किया है एक्चुअल, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, उसके अंदर स्पेस है हाफ परसेंट, हाफ स्पेस है, तो स्पेस किस वजह से स्टूडेंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, अभी देखो ये और ये मॉलिक्यूल के बीच अभी ये स्पेस बन रहा है, ये क्या बन रहा है स्पेस बन रहा है, अरे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल ये इतने डिस्टेंस पे सॉलिड पे, तो ये स्पेस बन रहा है ना, तो ये गैप बन रहा है, तो ये इंट्रैक्शन इतनी स्ट्रांग है स्टूडेंट, इतनी स्ट्रांग है, तो यह दूसरा कोई मॉलिक्यूल एंट्री नहीं कर सकता, तो ये गैप बना रहेगा, अभी देखो सपोज समझो इनकी इंट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है, तो उनके बीच अभी कोई आने वाला नहीं है, अभी कोई बच्चे होते ग्रुप बनाते दो दो तीन तीन स्टूडेंट का, तो वो बोलते चलो नहीं भाई हमें तीसरा वाला नहीं चाहिए, चौथा वाला नहीं चाहिए, क्योंकि क्या उनके अंदर एक बहुत क्या बन गया है स्ट्रांग बन गया है, चार स्टूडेंट है वो ग्रुप बना रहे, और फिफ्थ स्टूडेंट को वो क्या नहीं करते एडजस्ट नहीं करते, क्योंकि उनके बीच जो अट्रैक्शन होता है वो कैसा होता है बहुत स्ट्रांग, जगह होती है उनके पास बट वो एंट्री नहीं देते, जगह है बट ये इंट्रैक्शन इतनी स्ट्रांग है, तो अभी देखो सपोज समझो कि ये मेरा एक हाथ है,
ये हाथ है, अब ये दोनों क्लोज आ गए, अभी बीच में जगह है बट जाने के लिए जगह नहीं है। एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है और ये दोनों क्लोज आ रहे हैं, तो इनके बीच अभी गैप बन रहा है बट जाने के लिए जगह नहीं है। आइडियल, इसका वॉल्यूम इतना है, इसका वॉल्यूम इतना है, ये आइडियलाइज अरेंज होंगे तो ये इसका वॉल्यूम इतना रहेगा, बट अभी वॉल्यूम कितना है, इतना है, क्योंकि अरेंज ही ऐसे हुए। किसकी वजह से हुए? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। किसकी वजह से हुए? तो अभी देखो ना सुन, मुझे बताओ ये आइस में ये गैप बन रहा है, अरे गैप बन रहा है, अरे यस और नो? अभी देखो, सपोज समझो कि इतना हम स्पेस ले रहे, स्पेस कितना ले रहे, इतना स्पेस ले रहे, अभी इतने वाले स्पेस में मैं इतना ही स्पेस इधर सिलेक्ट कर रहा हूं, इतना ही स्पेस इधर सिलेक्ट कर रहा हूं, मतलब इधर भी स्पेस और इधर भी स्पेस क्या सेम। तो अभी सपोज समझो कि मैं इसको थोड़ा सा हिट करूंगा, क्या करूंगा, हिट करूंगा, तो मुझे बताओ ए इंट्रैक्शन कम हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी ना, तो ब्रेक हो जाएगी तो दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल यहां क्या करेंगे छुड़न, एंट्री करेंगे, अरे करेंगे नहीं करेंगे, अरे करेंगे नहीं करेंगे, हाँ, तो इसके अंदर अभी वाटर मॉलिक्यूल इस इतने वाले एरिया में वाटर के मॉलिक्यूल बढ़ेंगे या कम होंगे, बढ़ेंगे, इतने वाले एरिया में वाटर मॉलिक्यूल क्या होंगे, तो बढ़ेंगे, तो ये इंट्रैक्शन कम हो रही है, ब्रेक हो रही है, तो इंट्रैक्शन ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो क्या चेंज होती है स्टूडेंट, स्टेट चेंज होती है, क्या चेंज होगी, स्टेट चेंज होंगी। तो सॉलिड है, सॉलिड को हिट कर रहे, इंट्रैक्शन ब्रेक हो रही है, सॉलिड को हिट करेंगे तो उसको क्या क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। तो सॉलिड का कन्वर्जन किस में होता है, लिक्विड में, तो अभी ये स्टेट चेंज करेगा, कौन से स्टेट में जाएगा, लिक्विड स्टेट में वाटर मॉलिक्यूल बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल बढ़ रहे हैं तो वाटर मॉलिक्यूल का मास बढ़ेगा, अरे बढ़ेगा नहीं, सपोज समझो कि वॉल्यूम आप कॉन्स्टेंट ले रहे, वॉल्यूम क्या ले रहे, कॉन्स्टेंट, क्योंकि इधर और इधर वॉल्यूम सेम ले रहे, अरे ये सर नो, हाँ, तो अभी देखो मतलब सॉलिड और लिक्विड के लिए दोनों के लिए वॉल्यूम क्या ले रहे हैं, हम सेम ले रहे, ऐसे समझो, सॉलिड और लिक्विड के लिए दोनों के लिए वॉल्यूम क्या ले रहे हैं, सेम, तो सॉलिड का वॉल्यूम और लिक्विड का वॉल्यूम हम क्या ले रहे हैं, सेम, तो अभी सॉलिड और लिक्विड दोनों का वॉल्यूम हम क्या ले रहे हैं श्रवण, सेम, अभी ये लिक्विड का मास है, तो अभी देखो ये लिक्विड का मास है तो या लिक्विड के मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूल ज्यादा मॉलिक्यूल आएंगे या, अरे यस और नो, तो या लिक्विड में मास बढ़ेगा, अरे मास बढ़ेगा, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या, तो डेंसिटी बढ़ेगी, अरे डेंसिटी बढ़ेगी, अरे डेंसिटी बढ़ेगी, तो किसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, लिक्विड वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती, अभी या मास बाय वॉल्यूम किस में देख रहे हैं, सॉलिड में, आइस में, तो अभी आपको पता है ना या वाटर मॉलिक्यूल कम है, या वाटर मॉलिक्यूल क्या है, कम है, तो वाटर मॉलिक्यूल कम है तो मास भी कम रहेगा, वॉल्यूम तो कांस्टेंट ले रहे, इधर का वॉल्यूम और इधर का वॉल्यूम सेम ले लो, सब समझो, तो या वॉल्यूम और या वॉल्यूम सेम ले रहे तो या मास मॉलिक्यूल ही कम है, क्यों कम है, क्योंकि आपको पता है इसके अंदर गैप बन रहा है, इसके अंदर क्या बन रहा है, गैप बन रहा है, तो या गैप बन रहा है इसका मतलब या कम मॉलिक्यूल ऑक्युपाई, इतने वाले एरिया में वाटर मॉलिक्यूल के कम मॉलिक्यूल ऑक्युपाई होंगे, कम मॉलिक्यूल रहेंगे तो उनका कम मॉलिक्यूल का कम मास रहेगा, कम मॉलिक्यूल का कम मास रहेगा, तो मास कम, वॉल्यूम तो कॉन्स्टेंटली है इज इक्वल टू डेंसिटी, तो मास कम है तो डेंसिटी क्या आएगी, किसकी डेंसिटी कम है, जनरली डेंसिटी किसकी ज्यादा होती है, सॉलिड की डेंसिटी हमेशा ज्यादा होती है, किससे, लिक्विड से, और लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होती है किससे, गैस से, बट यह एक्सेप्शन बन गया कि अभी या आप हिट करेंगे तो या वाटर मॉलिक्यूल एंट्री करेंगे इतने वाले एरिया में, अरे इतने वाले एरिया में वाटर मॉलिक्यूल एंट्री करेंगे क्योंकि यह इंट्रैक्शन क्या हो रही है, ब्रेक हो रही है, इंट्रैक्शन ब्रेक हो रही है तो बाहर के मॉलिक्यूल इतने वाले एरिया में आ रहे तो स्टेट चेंज हो रही है, तो स्टेट चेंज हो रहे तो मॉलिक्यूल इधर इधर वाले एरिया में वाटर मॉलिक्यूल बढ़ रहे तो मास बढ़ेगा, वॉल्यूम तो इतना ही लिया है हमने पहले वाले केस और दूसरे वाले केस में, अरे सर नो, तो मास बढ़ रहा है, मॉलिक्यूल बढ़ रहे तो डेंसिटी क्या होगी, किसकी डेंसिटी बढ़ेगी, तो लिक्विड की डेंसिटी क्या है, किसको वाले केस में, वाटर वाले केस में, ऑलवेज वाटर वाले केस में किसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, तो लिक्विड की डेंसिटी
ज्यादा है, और सॉलिड की डेंसिटी, जिसकी भी डेंसिटी कम होती है वो ऊपर होता है नीचे होता है, जिसकी डेंसिटी कम हो वो ऊपर होता है। तो ऊपर कौन होना चाहिए? तो वाटर में आइस सॉलिड डालो, ऊपर तैरता है वो, फ्लोट होता है। क्या होता है? फ्लोट। वाटर आइस इज फ्लोटेड ऑन लिक्विड। ये एक ओनली वन एक्सेप्शन, दुनिया में खाली एक ऐसा एक्सेप्शन है वो सॉलिड होके भी फ्लोट होता है। क्यों फ्लोट होता है? इसका रीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और इसलिए जो टाइटैनिक जो है ना जहाज, वो किस पे कोलाइड हो गया? आइस पे कोलाइड हो गया। क्यों? क्योंकि वह आइस क्या हुआ था? फ्लोट हुआ था। वहां आइस क्या हुआ था? फ्लोट। और इसीलिए वो टाइटैनिक जहाज उधर कोलाइड हो गया और पूरा का पूरा गिर गया। और इस पे एक मूवी भी बनी और उसको ऑस्कर भी मिला है। और किसकी वजह से ऑस्कर मिला है? अरे किसकी वजह से ऑस्कर मिला है? यदि सपोज समझो कि आइस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती तो फ्लोट होता, फ्लोट नहीं होता तो जहाज उस पे टकराता, जहाज में टकराता तो वो गिरता नहीं, नहीं गिरता तो मुंह बनता, मुंह नहीं बनता तो ऑस्कर मिलने का तो कोई सवाल ही नहीं। अरे समझ में आ रहा है क्या? तो जो भी मुंह बनाए वो खाली इसकी वजह से बनाए। किसकी वजह से बनाए? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बनाए। अभी पेपर में मत लिखो, ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग वन मूव इज फॉर्म। चलो लिखो, यस नहीं, अभी ये एरिया फिक्स करना है आपको, आपको ये एरिया फिक्स करना है। ओके मतलब आप इसके अंदर सपोज समझो कि इतना एरिया फिक्स किया आपने। ओके अभी ये वाली एरिया में वाटर मॉलिक्यूल एंट्री भी कर सकते हैं, तो आप बोलेंगे कि वाटर ही ऑपरेट हो रहे, तो दूसरे भी वाटर मॉलिक्यूल एंट्री करेंगे ना। समझ में आ रहा है? इतना एरिया तो फिक्स करना है आपको। ओके समझ में है ना? ओके चलो 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 चलो। हाँ आपको क्वेश्चन आएगा अभी कि एक मोल वाटर के अंदर आइस वाली, आइस वाली केस, हाँ कौन सी वाली केस? आइस वाली। एक मोल वाटर के अंदर कितने परसेंट ऑइड्स होते हैं? 50%। और 50% क्या होता है? स्पेस ऑक्यूपाई होता है। एक्चुअल वाटर का वॉल्यूम कितना होता है एक मोल का? 18 cm³। आइडियली कितना होना चाहिए? 9 cm³ के अंदर कितना गैप है? 0% गैप। 18 cm³ में कितना गैप है? 9 cm³। इतना गैप है और 9 cm³ वाटर का वॉल्यूम है एक्चुअल। इसका मतलब 9 cm³ क्या बना है? वॉइड्स बनाए, गैप बनाए। और वो वॉइड्स किसकी वजह से बनाए? ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ में आ रहा है? पक्का समझ में आया? पूरा समझ में आया? ओके चलो। तो अभी मॉलिकुलर सॉलिड तो खत्म हो गया। मॉलिकुलर सॉलिड मतलब मॉलिकुल को देखना है। क्या देखना है? मॉलिकुल को। मॉलिकुल समझ में आया जो आपको? मैं कल से एक ही पॉइंट को फोकस कर रहा हूं। कौन सा पॉइंट है कल से? मॉलिकुलर सॉलिड। अभी नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं हम आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड ओके। CH4 के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिव का बहुत कम है। ओके चलो अभी देखो, आयनिक सॉलिड कौन सा सॉलिड स्टूडेंट? अभी देखो नाम से पता करना है। किससे पता करना है? नाम से।
अभी आयनिक सॉलिड में पहले तो बात करेंगे आयंस की। किसकी बात करेंगे? आयंस मतलब आपको पता है कौन कौन से आयन होते हैं? एक तो होता है कैटायन और दूसरा होता है एनायन। अरे सर नो, तो अभी देखो कैटायन क्या करता है, कैटायन के इलेक्ट्रॉन लॉस करके कैटायन फॉर्म होता है और इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायन फॉर्म होता है। अभी सपोज समझो यह इलेक्ट्रॉन लॉस तो कैटायन बन गया और यह एनायन ने इलेक्ट्रॉन, ये नॉन मेटल है इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया और इस पे कौन सा चार्ज आ गया? माइनस। तो अभी ये पॉजिटिव नेगेटिव में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगा, अरे बनेगा नहीं बनेगा? हाँ, सपोज समझो कि इस या इतना एरिया मैं फिक्स कर रहा हूँ, कितना एरिया फिक्स कर रहा हूँ? इतना एरिया। अभी इतने वाले एरिया में आपके बहुत सारे कैटायन आएंगे, अरे आ रहे नहीं आ रहे? आ रहे ना? या कैटायन या अनायन। तो आप यहां देखेंगे कि कैटायन अनायन कैटायन अनायन कैटायन अनायन आ रहे, तो इस वाले एरिया में जितने भी कैटायन आ रहे सब समझो कि एक क्रिस्टल एनएसएल का, ये किसका क्रिस्टल है? एनएसएल का क्रिस्टल है। ओके, तो आप इतने वाले एरिया में देख रहे कि एनए के 10 आयंस आ रहे, कितने आ रहे? और सेल के भी कितने आ रहे? 10। अभी देखो ना, अनायन 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 अनायन, कितने अनायन आ रहे? 10। कैटायन 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 कैटायन, कितने कैटायन आ रहे? 10। तो ये आपस में क्लोज आने के बाद ही कौन सी स्टेट फॉर्म होगी? वो क्लोज क्यों आएंगे? क्योंकि अट्रैक्शन बन रहा है। क्यों अट्रैक्शन बन रहा है? क्योंकि कैटायन एंड अपोजिटली चार्ज है। तो इसका मतलब है ऐसा नहीं कि ये प्लस वन है तो ये खाली माइनस वन एक ही को खींचेगा, ऐसा कुछ नहीं। ये इधर से इधर की साइड 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 से सब साइड से किसको खींचेगा? वो अपोजिटली चार्ज। और ये भी ये भी ये भी इधर की साइड से इधर की साइड से इधर की साइड से इधर की साइड से किसको खींचेगा? तो इतना एरिया हम सिलेक्ट कर रहे हैं, तो इतने वाले एरिया में एन ए प्लस कितने बन रहे? अरे कितने बन रहे? और इतने वाले एरिया में सेल माइनस कितने बन रहे? तो दोनों का रेशो कितना आएगा? 1:1। इसलिए हम फॉर्मूला क्या लिखते हैं? एन ए सेल। समझ में आया? अरे समझ में आया? तो ये बन क्या रहा है बेटा, हम फॉर्मूला लिखते हैं एन ए सेल मतलब उस वाले पर्टिकुलर एरिया में हम कितने Na प्लस है और कितने Cl माइनस है तो उसका रेशो ले रहे, तो उसका रेशो कितना आ रहा है? 1:1 आ रहा है। इसलिए फॉर्मूला क्या लिखते हैं? NaCl। अरे समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है? ओके, तो अभी ये जो सॉलिड है ये कैटायन और एनायन के बीच है, मतलब आयंस के बीच, आयंस के थ्रू क्या बनाए? आयंस के थ्रू क्या बनाए? पहला वाला मॉलिक्यूल के थ्रू क्या बन रहा था, अभी किसके थ्रू सॉलिड बन रहा है? तो फिर आयनिक सॉलिड बन गए। तो आयनिक सॉलिड के लिए कंडीशन क्या बनेगी? इसके बीच कौन सा बॉन्ड है? तो जिनके भी बीच आयनिक बॉन्ड होता है वो सब किसके अंदर आएंगे? आयनिक सॉलिड। बोलो, जिसके भी बीच कौन सा बॉन्ड आएगा वो कौन से सॉलिड फॉर्म करेंगे? आयनिक सॉलिड। तो आयनिक सॉलिड क्या बनता है? जहां मेटल हो नॉन मेटल हो वही आयनिक बॉन्ड बनाएंगे ना। अरे बोलो, ये क्या है? ये कौन सा सॉलिड है? मॉलिक्यूलर सॉलिड। कौन सा सॉलिड है? क्यों, कैसे पहचान लिया आपने मॉलिक्यूलर सॉलिड है? क्योंकि ये जो बॉन्ड है ये कोहलन बॉन्ड है और लिमिटेड कोहलन बॉन्ड है। कितने बॉन्ड है? लिमिटेड कोहलन बॉन्ड है। और कोहलन बॉन्ड किसके बीच बनता है आपको पता है? कोहलन बॉन्ड किसके बीच बनता है? खाली नॉन मेटल के बीच बनता है स्टूडेंट कोहलन बॉन्ड। ध्यान में रखो, जहां भी क्या आएगा नॉन मेटल, तो नॉन मेटल के बीच क्या बनता है स्टूडेंट? अरे समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो या अभी आपके कॉलन बॉन्ड बन रहे,
अरे बन रहे हैं नहीं बन रहे? बोलो चुड़ान। या तो आयंस के थ्रू बॉन्ड बन रहा है, ये इंट्रैक्शन मतलब बॉन्ड, इंट्रैक्शन मतलब क्या बॉन्ड। अब एज का है वो, अभी 11 साइंस कर रहा है, अरे 8 कर रहे हैं आज। चलो नहीं चलो हाँ, अरे क्या हुआ, रिपीट करना है, बॉन्ड बन रहा है। हाँ तो अभी वो सो रहा था, मैं बोल रहा था वो सो रहा था, और वो बोला ना खाने का टाइम आ गया अभी, उस टाइम वो चौक, इसका मतलब वो खाने का शौकीन बहुत। ओके अरे ओ क्रिकेटर वो भी देख रहे हैं यार, सर किसको बोल रहे हैं। हाँ चलो सुन, नॉन मेटल के बीच क्या बनता है, कॉलन बॉन्ड। नॉन मेटल के बीच क्या बनता है, कॉलन बॉन्ड। यदि वो सेम नॉन मेटल के बीच बना तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्योर कॉलन बॉन्ड। और टू डिफरेंट नॉन मेटल के बीच बना तो उसको बोलते हैं पोलर कॉलन बॉन्ड। और मेटल और नॉन मेटल के बीच जो भी बनता है उसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, कभी भी ध्यान देना है। तो ये क्रिस्टल के अंदर वॉइड्स कितने, किस ये जो क्रिस्टल है इसके अंदर वॉइड्स कितने, ये किस पे डिपेंड करता है कि ये कैटायन की साइज कितनी है, आनायन की साइज कितनी, कितना वॉइड्स बनाना है, ये किस पे डिपेंड है, साइज ऑफ कैटायन एंड साइज ऑफ एनायन, और उसके बाद उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बोलो, अरे देख क्या रहे, बोलो ना अभी। वो जो वॉइड्स है गैप है वो किस पे डिपेंड है, तीन फैक्टर है उसके लिए, क्या फैक्टर है तीन, साइज ऑफ कैटायन, साइज ऑफ एनायन और उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उस पर डिपेंड है कि उसके अंदर कितने वॉइड्स बनने वाले, कितने परसेंट वॉइड बनने वाले, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई होगा एक्चुअल और कितना एम्प्टी स्पेस बनेगा। अरे समझ में आ रहे हैं, अरे समझ में आ रहे हैं। आप देखो अभी ये एनी सेल बन गया, क्रिस्टल बन गया एनी सेल, अरे बना नहीं बना, बना अरे एनी सेल क्रिस्टल बना, आपने इसको फोर्स लगाया क्रिस्टल को, ये सब समझो ये नहीं सर क्रिस्टल है, इसको फोर्स लगाएंगे तो उस फोर्स को बोलना है शेयरिंग फोर्स। उस फोर्स को कौन सा फोर्स बोलना है, शेयरिंग फोर्स। अभी इधर मैं फोर्स लगा रहा हूं तो इस फोर्स को कौन सा फोर्स बोलना है, तो ये इसको शेयरिंग फोर्स लगाएंगे तो मैं बहुत ज्यादा शेयरिंग फोर्स लगाऊंगा तो ये क्रिस्टल क्या हो जाएगा शुडन, क्या हो जाएगा शुडन, ब्रेक हो जाएगा। और ब्रेक होने के बाद ये क्रिस्टल परमानेंटली फ्रैक्चर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, परमानेंटली फ्रैक्चर हो रहा है, क्या हो रहा है श्रवण, बाय अप्लाइंग ऑफ शेयरिंग फोर्स ऑन आयनिक क्रिस्टल देन
सॉलिड इज परमानेंटली फ्रैक्चर, उसके अंदर एक हेडिंग नोट डालो भी। शेयरिंग फोर्स, शेयरिंग फोर्स बाय अप्लाइंग शेयरिंग फोर्स, बाय अप्लाइंग शेयरिंग फोर्स ऑन आयनिक सॉलिड देन सॉलिड इज परमानेंटली फ्रैक्चर, परमानेंटली फ्रैक्चर होता है वो, उसके बाद वो अपनी जगह पे कभी भी नहीं आता। अरे आता है नहीं आता, इसको मैं बहुत ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो इसे एक कट जाएगा तो फिर से ओरिजिनल पोजिशन पे आएगा नहीं आएगा, तो परमानेंटली क्या हो रहा है, फ्रैक्चर हो रहा है। कौन परमानेंटली फ्रैक्चर होते हैं, कौन आयनिक सॉलिड परमानेंटली फ्रैक्चर होते हैं, समझ में आया? अरे आया समझ में? ओके तो अभी देखो, बाय अप्लाइंग शेयरिंग फोर्स ऑन आयनिक सॉलिड परमानेंटली फ्रैक्चर, ये सेंटेंस लिखा है आपने। अभी देखो उसके बाद ओके मतलब परमानेंटली फ्रैक्चर, इसको डिस्टॉर्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्टॉर्शन। ओके अभी देखो उसके बाद मैं, तो इसके कौन कौन से एग्जांपल आएगा स्टूडेंट नॉन मेटल मेटल के बीच? आपको आएगा MgCl2, तो आपको पता नहीं MgCl2 कौन से टाइप का सॉलिड में आएगा, मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल आग बन करके बोलना है आयनिक सॉलिड, मेटल है नॉन मेटल है बोलना है आयनिक सॉलिड, समझ में आया? ओके बोलो। KCl मेटल नॉन मेटल, ZnCl2 ओके चलो अभी देखो उसके बाद मैंने कौन सा सॉलिड लिख के दिया आपको, कितने सॉलिड हो गए हमारे, मेटेलिक सॉलिड। ओके तो हेडिंग डालो मेटालिक सॉलिड, कौन सा सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड, कौन सा सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड। ओके अभी देखो मेटेलिक सॉलिड कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है, आपको आइडेंटिफाई मेटेलिक सॉलिड कैसे करना है। अभी मैं बोलूंगा कि सोडियम सॉलिड, मैं क्या बोलूंगा, सोडियम सॉलिड, तो आपको इमेजिन क्या करना है, सोडियम के बहुत सारे एटम क्लोज है, अरे एक से सॉलिड बनता है, अरे एक से सॉलिड बनता है कभी, सॉलिड बनने के लिए क्या चाहिए, बहुत सारे एटम चाहिए, मॉलिक्यूल चाहिए, आयंस चाहिए, तो अभी यहां Na के बहुत सारे एटम्स है, बहुत सारे Na ऐसे Na अरेंज हुए हैं, अभी ऐसे बहुत सारे Na आ रहे हैं, अभी समझ में आ रहा है स्टूडेंट, बहुत सारे ने। अभी सोडियम मेटल के वैलेंस शेल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, और कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, 2, 3 ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, कम इलेक्ट्रॉन, उनकी जेब खाली होती है, उनकी जेब क्या होती है, खाली होती है, थोड़े बहुत कुछ चिल्लर होता है, पैसा कम पैसा होता है उसको चिल्लर बोलते हैं, अरे समझ में आ रहा है, और चिल्लर आपको पता है बहुत क्या होती है, बसती है, आवाज देती है, क्या देती है, कम होते हैं ना जिनको कुछ एग्जाम में जिनको भी कम आता है वो ही क्या करते, इधर उधर क्या निकालते, क्या निकालते, मोबाइल, अरे क्या निकालते चलो तो ये मेटल है, ये मेटल है, उनके वैलेंस शेल में 1 से लेके 3 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं कब, उनको थोड़ी सी एनर्जी की जरूरत है, उनको थोड़ी सी एनर्जी की जरूरत है, तो उसको थोड़ी सी एनर्जी मिल गई तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, आगे जाएंगे, निकल जाएंगे शेल छोड़ के, तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, अरे इस पे कौन सा चार्ज आएगा, अरे ये इलेक्ट्रॉन कहां है, तो
इसको एनर्जी मिले, इसका मतलब इस सबको एनर्जी मिले, तो इसका भी इलेक्ट्रॉन छोड़ के इधर जाएगा, इस पर कौन सा चार्ज आएगा, इसका भी इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया इस पर कौन सा चार्ज आएगा, इसका भी इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया इस पर कौन सा चार्ज, तो ये घूम कौन रहे, इलेक्ट्रॉन घूम रहे, अरे घूम कौन रहे, तो ये इलेक्ट्रॉन और ये कैटायन, कैटायन अपनी जगह फिक्स है, कैटायन अपनी जगह फिक्स है, घूम क्या रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन घूम रहे, इसकी वजह से मेटल क्या होते कंडक्टर होते, कंडक्टर कौन सा वाला कंडक्टर, बस का कौन सा, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते किसको जैसे, अरे मेटल कंडक्टर होता है ना, किसकी वजह से होते, क्योंकि उनके उनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते, और वो इलेक्ट्रॉन क्या होते अपनी जगह फिक्स होते क्या, नहीं, तो अपनी जगह फिक्स नहीं होते, उसको क्या बोला जाता है डीलोकलाइज, तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं सुनो इधर, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन होते, लिखो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन, अरे समझ में आया, तो ये इलेक्ट्रॉन के बीच कौन है, अरे इलेक्ट्रॉन के बीच या इलेक्ट्रॉन घूम रहे, हाँ तो इलेक्ट्रॉन के बीच फिक्स कौन है, कैटायन फिक्स है, इलेक्ट्रॉन घूम रहे, अरे घूम रहे नहीं, डीलोकलाइज है नहीं, फिक्स कौन है, तो इसको बोलना है आपको सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, समंदर, इलेक्ट्रॉन का समंदर, किसका समंदर, ओके तो अभी आपको ध्यान में रखना है समंदर किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का समंदर, उसके अंदर कौन फिक्स होते हैं, कैटायन, इलेक्ट्रॉन मूविंग होते हैं, इसकी वजह से वो क्या होता है गुड कंडक्टर होता है, आपको बोलेंगे कि कंडक्ट कब होती है इलेक्ट्रिसिटी, तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने के लिए क्या होना चाहिए, या तो वो इलेक्ट्रॉन घूमने चाहिए, नहीं तो फिर कौन घूमना चाहिए, वो कैटायन घूमने चाहिए, कौन घूमने चाहिए, या तो कैटायन घूमना चाहिए, कैटायन आयन घूमना चाहिए, नहीं तो फिर कौन घूमना चाहिए, इलेक्ट्रॉन घूमने चाहिए, दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है किसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने के लिए, अरे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है, या तो कैटायन आयन घूमने चाहिए, नहीं तो फिर कौन घूमने चाहिए, इलेक्ट्रॉन, इन दो चीजों से इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है कंडक्ट, एग्जाम में मार्क कब पड़ेंगे, या तो आपको स्टडी करना है, नहीं तो इधर उधर देखना है, अरे एग्जाम में मार्क्स कब पड़ेंगे, तो कौन सी चीज अप्लाई होती ज्यादा सेकंड वाली, अरे कौन सी केस अप्लाई होती है सेकंड केस, ओके चलो बायपास कौन सी केस होती है, चलो समझ में आया सुनो आपको, समझ में पक्का समझ में आया, अरे आया समझ में, अभी इस पे एक शेयरिंग फोर्स लगाएंगे हम, अभी ये मेटल है सोडियम, अरे सोडियम मेटल है, तो मेटल मेटल के बीच इलेक्ट्रॉन और मेटल के बीच क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और मेटल के बीच क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, अरे इलेक्ट्रॉन और मेटल के बीच क्या होता है, तो ये या सब कौन है, मेटल है ना रे, या सब कौन है, तो ये सॉलिड किससे बना है, ओनली मेटल से बना है, उसके अंदर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अरे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, हाँ, और ये सॉलिड किसके वजह से बन रहा है, खाली मेटल 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 मेटल, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सोडियम सॉलिड, तो सोडियम सॉलिड है, तो सोडियम कौन है, मेटल है, तो सॉलिड है, तो इसको बोलेंगे कौन सा सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड, तो समझ में आया, तो मेटेलिक सॉलिड के लिए आपको क्या देने की जरूरत है मुझे, अभी इसके अंदर कौन सा सॉलिड है, मेटेलिक बॉन्डिंग है, मेटेलिक सॉलिड है, अरे मेटेलिक सॉलिड है, इसके अंदर मेटेलिक बॉन्डिंग है, और ड्यू टू द मेटेलिक बॉन्डिंग ये क्या बना रहा है, सॉलिड बना रहा है, तो इस सॉलिड को कौन सा सॉलिड बोलेंगे,
तो आपको मैं यदि कोई एक खाली मेटल दे रहा हूं, खाली क्या दे रहा हूं, तो उसको क्या बोलना है आपको, मैं खाली आपको मेटल नॉन मेटल दे रहा हूं तो आपको क्या बोलना है, आयनिक सॉल्यूशन। समझ में आया? तो आपको कौन सा एग्जांपल देख के उसके अंदर कौन सा सॉलिड प्रेजेंट है आपको पता चलना चाहिए, यहां से आगे विद इन सेकंड में, विद इन सेकंड में। आप समझ में आ रहा है? अरे आ रहा है, तो फिर एमजी क्या बनाएगा, मेटलिक सॉलिड बन। जिंक क्या बनाएगा, कॉपर क्या बनाएगा, अभी कॉपर क्यों आ रहे अभी, तो क्या बनाएगा, मेटलिक सॉलिड बनाएगा, क्योंकि उसके अंदर खाली कॉपर 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 आ रहे। ये भी क्या बनाएगा, ये भी आयन क्या बनाएगा, मेटलिक सॉलिड। अभी उस आप जिस बेंच पे बैठे हो उसमें आयन ही है ना, आयन के रॉड है। अरे मैं आयन की बात बोल रहा हूं और आप वो लकड़ी को क्यों अरे मैं एक बोल रहा हूं और आप एक कर रहे हा? मतलब मैं निकल रहा हूं दिल्ली का टिकट और आप बोल रहे सर कन्याकुमारी क्यों नहीं आ रही हा? चलो तो समझ में आया चुड़ान, आ रहा है समझ में आ रहा है? तो अभी देखो मैं इस पे शेयरिंग फोर्स लगाऊंगा। कौन सा फोर्स लगाऊंगा, शेयरिंग फोर्स। अभी यहां मेरे पास कोई मेटल की वायर नहीं है, सबको समझो। अभी देखो इसके अंदर मेटल की वायर है, अरे इसके अंदर वायर है ना, इसके अंदर कॉपर कोई तो एक मेटल रहेगा ना, अरे वो कंडक्टर है नहीं, इसके मतलब इसके अंदर क्या है, कॉपर रहेगा। ओके तो अभी इसको मैं शेयरिंग फोर्स लगा रहा हूं, इसको क्या लगा रहा हूं, शेयरिंग फोर्स। तो अभी शेयरिंग फोर्स लगाने के बाद ये ब्रेक हो रही है, ब्रेक हो रही है मतलब फ्रैक्चर हो रहा है, फ्रैक्चर नहीं हो रहा है, फ्रैक्चर आप उस ये इसके अंदर ये जो कंस्ट्रक्शन है उसका अंदर आयन के रॉड है, तो आप शेयरिंग फोर्स लगाएंगे तो पहले एटम में कट नहीं होगा शुरू, बेंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बेंड। एल्यूमिनियम देखो इस पे आपके घर पे बर्तन होंगे तो उसको थोड़ा सा फोर्स लगाइए तो क्या होते हैं शुरू, बेंड होते। तो बाय अप्लाइंग शेयरिंग फोर्स कैनॉट cannot fracture, क्यों नहीं फ्रैक्चर होते, देखो समझो। अरे पूरा पहले आए सुनो, पूरा सुनो ओके। अभी देखो ये मेटल 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 एक सॉलिड बना रहा है, मैं अभी इसको शेयरिंग फोर्स लगाऊंगा, तो वो शेयरिंग फोर्स लगाने के बाद ये जो लेयर से ये लेयर से स्लाइड हो जाएगा, बेंड हो रहा है। अभी फिर से आप सीधा करेंगे, वायर होती ना वो, तो उसके अंदर क्या होते सुन, ऐसे लेयर होते, कौन से लेयर होते, स्लाइडिंग लेयर होते, कौन से लेयर होते सुन, स्लाइडिंग लेयर। तो ऐसे स्लाइड होते रहते जब तक ये उसका लिमिट क्रॉस करेगा तब तक वो खत्म हो जाएगा, फिर वो ब्रेक हो जाएगा। बट हम स्लाइडली खाली क्या कर रहे हैं, स्लाइडली शेयरिंग फोर्स लगा रहे, तो खाली क्या करेगा, स्लाइड होता रहेगा, बेंड हो रहा है, बेंड कर दिया आपने तो लेयर क्या हो गए, स्लाइड हो गए। आपने फिर से सीधा कर दिया तो लेयर फिर से अपने ओरिजिनल जगह पे आ गए। तो होता क्या है शुरू, मेटलिक सॉलिड में कौन से लेयर होते हैं शुरू, स्लाइडिंग लेयर होते, कौन से लेयर होते, और ड्यू टू द स्लाइडिंग लेयर वो क्या नहीं होता है शुरू, फ्रैक्चर नहीं होता है। किसके अंदर स्लाइडिंग लेयर होते, मेटलिक सॉलिड के अंदर स्लाइडिंग लेयर होते। समझ में आया, लिखो ड्यू टू द स्लाइडिंग लेयर्स इन मेटलिक सॉलिड क्रिस्टल कैन नॉट परमानेंटली फ्रैक्चर बाय अप्लाइंग शेयरिंग फोर्स। मेटलिक सॉलिड कैन नॉट फ्रैक्चर due to the sliding layer on applying shearing force. तो यह सपोज समझो कि आपका एक कोई एक layer है और यह एक layer है, तो आप इसको shearing force लगाएंगे तो ये लेयर क्या हो जाएगा, आगे जाएगा,
अरे समझ में आ रहा है क्या? पहले और क्या जा रहा है? आगे जा रहा है। आप फिर से इधर से शेयरिंग फोर्स लगाएंगे तो ये सिचुएशन मिलेगी आपको। समझ में आ रहा है? अरे आ रहा है नहीं आ रहा है? ओके, तो मेटल क्यों कंडक्टर है? क्योंकि मेटल के अंदर डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन होते हैं और डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन के कारण वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं? कंडक्टर करते हैं। आयनिक सॉलिड भी कंडक्टर होते हैं, सुनेगा? आयनिक सॉलिड भी क्या होते हैं? कंडक्टर, बट खाली दो स्टेट में वो कंडक्टर होते हैं। पहले तो इसको आपने बहुत सारा हीट कर दिया तो स्टेट चेंज करेगा। कौन से स्टेट में जाएगा? लिक्विड स्टेट में जाएगा। कौन से स्टेट में जाएगा? लिक्विड। तो लिक्विड स्टेट में Na प्लस और Cl माइनस घूमेंगे। अरे घूमेंगे नहीं घूमेंगे, लिक्विड स्टेट में तो आयंस घूमते हैं। तो इस स्टेट को कौन से स्टेट बोलते हैं? मोल्टन स्टेट। कौन से स्टेट बोलते हैं? मोल्टन। तो मोल्टन स्टेट में आयनिक क्रिस्टल आर कंडक्टर। और दूसरी स्टेट होती है दुनिया में NaCl। कौन सी स्टेट? NaCl के अंदर क्या डालेंगे हम? वाटर। तो आयंस कंप्लीटली क्या हो जाएंगे? फ्री हो जाएंगे। किसके अंदर फ्री हो रहे? वाटर के अंदर। तो वाटर के अंदर आयंस क्या हो रहे? घूम रहे। इसका मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेंगे? कंडक्ट। बट कौन सी स्टेट में वो कंडक्टर नहीं है? NaCl जब हम किस स्टेट में देखेंगे? सॉलिड स्टेट। तो डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को वो कंडक्ट नहीं कर रही है। NaCl या कौन सा भी आयनिक सॉलिड खाली दो स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। कौन से दो स्टेट? या तो मोल्टन स्टेट होनी चाहिए, लिक्विड स्टेट होनी चाहिए, नहीं तो फिर वो स्टेट कौन से होनी चाहिए? एक्वा स्टेट होनी चाहिए। बट मेटलिक सॉलिड वो सॉलिड होके भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। क्यों? क्योंकि उसका रीजन अलग है, डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर। मैंने आपको बताया ना, इलेक्ट्रिसिटी दो ही कंडीशन में कंडक्ट होगी, या तो आयंस मूव होने चाहिए, या तो आयंस मूव होने चाहिए, नहीं तो फिर इलेक्ट्रॉन मूव होने चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन कहां मूव होते? तो अभी इसके पास तो इलेक्ट्रॉन्स तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो है नहीं, Na प्लस के पास तो फ्री इलेक्ट्रॉन है नहीं, Cl माइनस के पास तो फ्री इलेक्ट्रॉन है नहीं, बट आयंस है। तो आयंस यदि वाटर में या मोल्टन स्टेट में तो घूमेंगे, आयंस घूमेंगे तो चार्ज लेके घूमेंगे ना रिश्वन। घूमेंगे तो क्या लेके घूमेंगे? चार्ज लेके घूमेंगे ना। इलेक्ट्रॉन भी क्या लेके घूम रहा है? चार्ज ही लेके घूम रहा है ना। चार्ज घूम रहा है इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी। वो चार्ज यदि कैटायन आनायन के थ्रू मूव हो या इलेक्ट्रॉन के थ्रू, हमें कोई उससे लेना देना नहीं, खाली चार्ज घूमना चाहिए। चार्ज किस पे होता है? कैटायन आयन और इलेक्ट्रॉन पे। प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर होता है, वो उस पे से हाथ नहीं लगाना है हमें, न्यूक्लियस के अंदर जाना नहीं है। हाँ भाई, एटम को ब्रेक नहीं करना है हमें। एटम को ब्रेक कर दिया तो पूरा का पूरा ब्रेक हो जाएगा, खत्म। ओके चलो, समझ में आया स्टूडेंट? क्या समझ में आया आपको? बोलो। मेटेलिक सॉलिड, तो मेटेलिक सॉलिड के एग्जांपल यहां से आगे कैसे ध्यान में रखेंगे? कौन सा भी मेटल खाली कौन से स्टेट में होना चाहिए? न्यूट्रल स्टेट में। न्यूट्रल स्टेट है इसके। कौन सी स्टेट है? न्यूट्रल। इसमें कोई चार्ज, ओवरऑल चार्ज जुड़े, पॉजिटिव निगेटिव ओवरऑल पॉजिटिव निगेटिव इक्वल हो जाएगा, तो चार्ज क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। तो मेटल पे यदि कौन सा भी चार्ज नहीं है तो उसका मतलब है वो कौन सा सॉलिड बोलेंगे उसको? मेटलिक सॉलिड। मेटल नॉन मेटल, खाली नॉन मेटल के बीच। अभी देखो मैं लास्ट वाला एग्जांपल बता दो। ओके, तो लिखो, उसके बाद हमें देखना है स्टूडेंट कौन सा सॉलिड? कोवैलेंट सॉलिड। कौन सा सॉलिड? अभी आप बोलेंगे कि सर इसके पहले हमने कोवैलेंट तो बॉन्ड देखी है मॉलिक्यूलर सॉलिड में, उसके पहले तो हमने कोवैलेंट बॉन्डिंग देखी है किसमें? बट वो कोवैलेंट बॉन्डिंग बहुत कम थी CH4 मॉलिक्यूलर सॉलिड में। हम CH इसमें और इसमें एक ही कोवैलेंट बॉन्ड है ना, तो लिमिटेड कोवैलेंट बॉन्ड है।
आर एन लिमिटेड कॉलन बॉन्ड है कि नहीं? इस और इस एटम के बीच खाली कितने बॉन्ड है? एक ही बॉन्ड है। या मल्टीपल बॉन्ड होगा तो अभी इसमें दो ही बॉन्ड है, इसमें, बट ये बॉन्ड के थ्रू खाली दो एटम आपस में क्लोज आ रहे हैं, दो एटम ही क्लोज आ रहे हैं। तो अभी देखो मैं कॉलन बॉन्ड की कौन से केस बता रहा हूं आपको। सपोज समझो कि आपके पास कोई डायमंड है, सर स्लो बोलो, सुन लेगा तो लेके जाएगा। ओके डायमंड है अक्षय, है है, अरे ऐसा मत बोले यार, लेके जाएगा आपको बाहर से कोई, पता भी नहीं चलेगा। ओके डायमंड है, अरे डायमंड है, तो डायमंड में कार्बन 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 क्या होते हैं जन? लिंक होते हैं, अरे होते हैं नहीं लिंक? तो अभी ये ऐसे कार्बन आपस में क्या हो रहे हैं जुड़न? लिंक हो रहे हैं। तो आपको सब कौन दिख रहे? कार्बन दिख रहे। किस वाली सिचुएशन में दिख रहे? डायमंड वाली सिचुएशन में दिख रहे। अरे यस और नो? तो यहां हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, इसे पूरे कार्बन को नहीं लिखेंगे हम। और किसके थ्रू कनेक्ट हो रहा है कार्बन? कार्बन किसके थ्रू कनेक्ट हो रहा है? कॉलन बॉन्ड। तो आपको यहां सबसे ज्यादा क्या दिख रहे? कॉलन बॉन्ड दिख रहे है क्या? तो नेटवर्क बन रहा है क्या? अरे नेटवर्क बन रहा है क्या? नेटवर्क कब बनेगा? जब ज्यादा एटम आपस में क्या हो जाएंगे? कनेक्ट हो जाएंगे। किसके थ्रू? कॉलन बॉन्ड के थ्रू। तो इसका कौन सा सॉलिड बोलते हैं? नेटवर्क सॉलिड। इसको कौन सा सॉलिड बोलते हैं? नेटवर्क। और नेटवर्क कब बनेगा? जब कॉलन बॉन्ड बनेंगे। कॉलन बॉन्ड कब बनेंगे? जब ये आपस में क्या बना रहा है? बॉन्ड। तो इसको रिप्रेजेंट यहां से आगे मैं खाली सी करूंगा। सी का मतलब क्या? इसका मतलब ये कार्बन 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 सब कॉलन बॉन्ड है। और इसकी वजह से ये क्या बना है? सॉलिड बना है। समझ में आ रहा है? अरे यार, तो कॉलन सॉलिड में ध्यान में देना है, सब सब सेम एटम होते, मतलब एक ही एलिमेंट होता है। उसके अंदर क्या होता है? एक ही एलिमेंट। अभी देखो कार्बन कार्बन, इसके अंदर एक ही एलिमेंट है। तो एक ही एलिमेंट बार 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 किसके थ्रू कनेक्ट हो रहा है? तो उसको बोलना है कौन सा सॉलिड। तो आपको पता कैसे चलेगा वो बार बार वही कनेक्ट हो रहा है? तो आपको ऐसा दे दिया जाएगा, ये नॉन मेटल है। अरे नॉन मेटल है, अरे नॉन मेटल है कि नहीं? तो नॉन मेटल है और खाली नॉन मेटल लिखा है तो इसका मतलब एक कॉलन सॉलिड। यदि मैं खाली मेटल लिख रहा हूं तो आपको पता करना है कि मेटल सॉलिड है। खाली क्या लिख रहा हूं? खाली क्या लिख रहा हूं? मेटल। तो कौन सा सॉलिड? खाली क्या लिख रहा हूं? तो आपको क्या बोलना है? मेटल नॉन मेटल लिखूंगा तो नॉन मेटल नॉन मेटल लिखूंगा तो मॉलिकुलर सॉलिड। अरे सीएच फोर कार्बन हाइड्रोजन नॉन मेटल है ना, दोनों भी नॉन मेटल है। एच एच क्या है? दोनों भी नॉन मेटल है, मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूलर सॉलिड। अरे समझ में आ रहा है क्या? CO2 नॉन मेटल नॉन मेटल, कौन सा सॉलिड? मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो पता चलेगा आपको कि कौन सा एग्जांपल किस कैटेगरी में आएगा। तो अभी बोलो कार्बन डायमंड है, अरे डायमंड है, डायमंड में ये जो अरेंजमेंट होती है ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होती है। कौन सी अरेंजमेंट होती है? टेट्राहेड्रल। तो कार्बन ये टेट्राहेड्रल अरेंज हो रहा है, तो कार्बन का दूसरा भी एक एलोट्रॉप है, पता है आपको? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के अंदर क्या होती है? डबल बॉन्ड अल्टरनेट होते हैं। अरे अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं क्या? नहीं होते। समझ में आ रहा है? अभी देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बोलो, ओके। अभी देखो हर एक कार्बन ने कितने बॉन्ड फॉर्म किए? अरे हर एक कार्बन ने कितने बॉन्ड फॉर्म किए? उधर भी कितने बॉन्ड फॉर्म किए थे, इधर भी कितने बॉन्ड फॉर्म किए? तो इधर ए डायमंड है, ये ग्राफाइट है,
इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, तो इसको डायमंड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट में, इसको उसके कंपैरेटिवली इंपॉर्टेंट कम है, बट उसके अंदर क्या है और इसके भी अंदर क्या है, मतलब है ही कार्बन, बट वो अलग तरीके से क्या हुए, अरेंज हुए। इसके लिए वो खुद का क्या चेंज करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज करते हैं। अरे चेंज हो रहा है प्रॉपर्टी, डायमंड कितना प्रिसाइज है आपको पता है? कोई घूमता है कि ये ज्वेलरी में लेके जाता है इसको? अरे ज्वेलरी में यूज करते हैं इसको, ग्राफाइट को सेल में फेंक देते हैं बच्चे, सेल से निकालते फेंक देते ऐसे। अरे सेल में होता है ना रॉड, वो ग्राफाइट का रॉड होता है, क्यों? कंडक्टर है। क्या है? क्यों कंडक्टर है? क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन अल्टरनेट होते तो वो क्या करते हैं श्वान, इलेक्ट्रॉन घूमते ऐसे, क्या करते हैं श्वान, इलेक्ट्रॉन घूमते, पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन होते। पाई बॉन्ड कब घूमेगा? जब वो पाई बॉन्ड अल्टरनेट अरेंज रहेगा। पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कब घूमेंगे? जब वो तो अल्टरनेट कहां पे, ग्राफाइट में, तो ग्राफाइट में अल्टरनेट है तो पाई इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन घूमेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्ट होंगे कि नहीं? इलेक्ट्रॉन घूम रहे, इलेक्ट्रॉन घूम रहे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्ट फिक्स है, तो ग्राफाइट क्या है, गुड कंडक्टर है। वो ग्राफाइट का नेचर क्या है, नॉन मेटल, नॉन मेटल क्या होते हैं, बैड कंडक्टर। नॉन मेटल क्या होते हैं, कार्बन नॉन मेटल होके भी क्या बन रहा है, गुड कंडक्टर बन रहा है। किसकी वजह से बन रहा है? उसके पीछे केमिस्ट्री है। क्या केमिस्ट्री है? अल्टरनेट पाई बॉन्ड है, अल्टरनेट पाई बॉन्ड होंगे तो घूमेंगे, अल्टरनेट पाई बॉन्ड होंगे तो घूमेंगे, रेजोनेंस बनाएंगे वो। तो समझ में आया आपको ग्राफाइट क्या है, कंडक्टर। तो अभी एक बात बताऊं सर, इधर सब कार्बन 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 दिख रहा है आपको, कार्बन के अलावा कुछ दिख रहा है? किस कार्बन कार्बन क्यों दिख रहा है? क्योंकि उसके अंदर क्या है श्वान, कार्बन बॉन्डिंग है बहुत ज्यादा, नेटवर्क है, बहुत बड़ा नेटवर्क बन रहा है। तो फिर आयन कार्बन सॉलिड को कौन सा सॉलिड बोलेंगे आप, यहां से आगे नेटवर्क सॉलिड, कौन सा सॉलिड बोलेंगे, नेटवर्क सॉलिड। तो अभी देखो ये डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट सबसे सबसे ज्यादा होता है, ओके सबसे ज्यादा होता है तो ध्यान में रखना है। ग्राफाइट, ग्राफाइट क्या होता है, कंडक्टर होता है, किसकी वजह से कंडक्टर होता है, पाई बॉन्ड के। अभी देखो ये पाई बॉन्ड का एक लेयर है, ऐसा क्लियर है, अभी अभी एक कार्बन का एक लेयर है, एक लेयर बन रहा है ऐसा पूरा सीट। अभी या दूसरी सीट बन रही है ऐसी, ऐसी एक सीट है अभी, अभी या दूसरी सीट बन रही है, ऐसी दूसरी सीट है। तो ये शीट और ये शीट, इनके बीच एक फिजिकल फोर्स है, उसको उस फिजिकल फोर्स को बोलना है आपको वैंड्रॉल फोर्सेस। उस फिजिकल फोर्स को क्या बोलना है आपको, वैंड्रॉल फोर्सेस। तो ये वैंड्रॉल फोर्सेस वीक होते हैं, आपको पता है फिजिकल फोर्सेस वीक होते हैं, कभी भी बाय अप्लाइंग एनर्जी, आप एनर्जी हीट करेंगे तो फिजिकल फोर्सेस क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं। जैसे कि आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द फिजिकल फोर्स, वैंड्रॉल इज द फिजिकल फोर्स। तो यह एक फिजिकल फोर्स है, या फिजिकल फोर्स जितना स्ट्रांग रहेगा वो शीट उतनी क्या आएगी, क्लोज। सपोज समझो कि एक शीट है, इस सब का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 मतलब वो स्ट्रक्चर क्या रहेगा, प्लेनर, एक प्लेन में रहेगा, प्लेन के बाहर, प्लेन के बाहर नहीं, तो ये सब sp2 कार्बन है इधर, तो एक प्लेन में रहेंगे, वो क्या रहेगा, एक प्लेन के इधर और प्लेन के इधर एक भी एटम नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है? तो ये पूरा कार्बन यहां स्टार्ट होगा तो आपको पूरा का पूरा इस वाले एरिया में दिखेगा। तो ये बनी आपकी एक शीट, अभी ये इधर एक दूसरा कार्बन चालू होगा तो ये पूरा का पूरा कहां नहीं इधर चालू करेगा, तीसरा कार्बन, वो कार्बन 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 इधर एक पूरी कहानी बनेगा, तो एक शीट बनेगा। तो ऐसी शीट बहुत सारी बन रही है। तो ये शीट, ये
ये शीट और ये शीट, इसके बीच एक फिजिकल फोर्स है, उसे बोलना है आपको वैन डर वाल फोर्स। और ये ऐसा पूरा का पूरा शीट क्या हो जाएगी सुन, क्लोज आएंगी तो ये क्या बनाएगी, सॉलिड बनाएगी। अरे सॉलिड बनाएगी कि नहीं बनाएगी, तो फिर एक बात बताओ ना सुन, तो ये आपका रहा आपका कौन सा, कार्बन ग्राफाइट, ये कौन सा रहा सुन। और इधर हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 कार्बन। और डायमंड में हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 कार्बन। समझ में आ रहा है, अरे समझ में आ रहा है क्या आ रहा है, इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। ये कंडक्टर क्यों होता है आपको पता है, ईच एंड एवरी कार्बन हैविंग sp2 हाइब्रिडाइज एंड पाई बॉन्ड। हर एक कार्बन को क्या होता है, एक पाई बॉन्ड होता है, हर एक कार्बन को एक पाई बॉन्ड है। और एक पाई बॉन्ड अल्टरनेटली अरेंज है। और ग्राफाइट में ये क्या आयोजन, हेक्सागोन है। ग्राफाइट में क्या आयोजन, हेक्सागोन है। अभी देखो 1 2 3 4 5 6 हेक्सागोन, 1 2 3 4 5 6 हेक्सागोन। समझ में आ रहा है, अरे आ रहा है पक्का आ रहा है। तो ऐसे हेक्सागोन अरेंज होते हैं किसमें, ग्राफाइट में। तो समझ में आया सुन, ग्राफाइट कंडक्टर क्यों है। वैसे ही आप अगले लेक्चर में फुल एयरिंग देखेंगे, तो मैं आपको कल के लेक्चर में फुल एयरिंग, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा और उसके बाद नया टॉपिक, नए सब टॉपिक चालू करेंगे। ओके okay?